गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। इस नए सेशन में मैं आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम राहुल अग्रवाल एंड प्रेजेंटली आई एम पोस्टेड इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोटा सुल्तानाबाद भोपाल एज ए टीचर। और बच्चों, आज इंग्लिश की जो पहली क्लास है उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, आर्टिकल्स। बच्चों, उससे पहले मैं आपको ये आज लेसन शुरू करूं, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अंग्रेजी में कहावत है, अ गुड स्टार्ट इज हाफ द वर्क डन। अच्छी शुरुआत हो तो मतलब आधा काम खत्म। तो ये शुरुआती जो क्लासेस होती हैं आपके स्कूल में या शिक्षा के ये जो वर्चुअल क्लास में, तो शुरुआती क्लासेस में अगर आप रेगुलर आएंगे, अपने स्कूल में रेगुलर आएंगे, क्लासेस रेगुलर अटेंड करेंगे, तो आगे का काम आपका आसान होता चलेगा। क्योंकि आपकी बेस मजबूत होती चलेगी तो आपका काम भी आसान होता चलेगा। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स के साथ। बच्चों, ये अंग्रेजी का सबसे छोटा टॉपिक है, सबसे इंटरेस्टिंग भी है, सबसे जरूरी भी है और सबसे आसान भी है। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो व्हाट आर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या है? बच्चों, बेसिकली आपने एडजेक्टिव्स पढ़े होंगे, विशेषण पढ़े होंगे, तो आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव का एक प्रकार होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम संकेत वाचक विशेषण कहते हैं। आपने दिस, दैट, दोज, आई वांट दिस बुक, आई वांट दोज एप्पल्स, दिस, दैट, दोज, ये आपने पढ़े होंगे, ये संकेत वाचक विशेषण कहलाते हैं। आर्टिकल्स भी उन्हीं का एक रूप है, लेकिन इनका उपयोग थोड़ा अलग प्रकार से होता है, ज्यादा इनका उपयोग होता है, इसलिए इनको एक अलग टॉपिक के रूप में हम पढ़ते हैं। तो आर्टिकल्स दो भागों में बांट सकते हैं। आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स, द डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल को निश्चयवाचक, मतलब आर्टिकल्स जिसकी ओर संकेत करते हैं एक निश्चित या विशेष व्यक्ति की ओर, वस्तु की ओर या किसी स्थान की ओर जब इशारा करते हैं, संकेत करते हैं, तो उनको डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल्स के रूप में द आता है। और दो आर्टिकल्स रहते हैं, ए और एन, इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। ये अनिश्चयवाचक कहते हैं क्योंकि ये जिसकी ओर संकेत करते हैं, जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करते हैं, वो सामान्य होता है, उसमें कोई विशेषता नहीं होती। तो आइए बच्चों, इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है। जैसे द मैन, द सिटी, द एलिफेंट। जब मैं कहता हूं द मैन, द सिटी या द एलिफेंट, तो मैं किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की बात कर रहा हूं। द मैन मतलब एक कोई निश्चित पुरुष है या विशेष पुरुष है, द सिटी मतलब कोई विशेष शहर की मैं बात कर रहा हूं, या द एलिफेंट किसी विशेष हाथी की बात कर रहा हूं। तो द जब भी किसी के आगे लगता है तो इसका मतलब किसी विशेष या निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बात हो रही है। ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहलाते हैं क्योंकि ये जब किसी के आगे प्रयोग किए जाते हैं, इसका मतलब उनमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं होता। एक सामान्य रूप से, एक आम आदमी का, एक आम वस्तु का या एक आम स्थान का जब हम चर्चा करते हैं, उनका बोध जब कराते हैं, तब हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में ए मैन, ए मैन मतलब कोई भी आदमी हो सकता है, ए सिटी मतलब कोई भी शहर हो सकता है, एन एलिफेंट यानी कोई भी हाथी हो सकता है। बच्चों, यहां पर अब हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। आर्टिकल्स सामान्य रूप से नाउन या दूसरे एडजेक्टिव के पहले आते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आई सॉ अ जैकॉल इन द फील्ड, मैंने एक भेड़िए को खेत में देखा। आई सॉ अ जैकॉल, कोई भी जैकॉल हो सकता है, और द फील्ड, द फील्ड मतलब
जो उसका खास उसका खेत हो कहने वाले का उसकी जमीन हो वहां पर उसने भेड़िया को देखा और वो भेड़िया कोई भी भेड़िया हो सकता है लेकिन खेत उसका विशेष था इसलिए इस तरह से लिखा जाएगा आ सॉ अ जपर इन द फील्ड। नेहा बॉट एन अम्ब्रेला, नेहा ने एक अम्ब्रेला खरीदा। दिस इज अ लेजी डॉग, यह एक आलसी कुत्ता है। द कैट रैन आफ्टर द रैट, बिल्ली चूहे के पीछे भागी। अब हम किस बिल्ली की बात करेंगे, जो हमारे घर में पली हुई है, तो जो हमारे घर में पली हुई है वो विशेष है, और हम किन चूहों की बात कर रहे हैं जो हमारे घर में हमें परेशान करते हैं, तो ये विशेष हो गए, तो इसलिए यहां पर द का प्रयोग हुआ है। पांचवा देखें, दे लिव इन अ बिग हाउस, वे एक बड़े मकान में रहते हैं। तो बड़े मकान तो बहुत होते हैं, तो जिनकी मैं बात कर रहा हूं वे भी एक बड़े मकान में रहते हैं। तो बच्चों ये आपने देखा होगा इस तरह से आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। यहां मैंने जो उदाहरण दिए हैं इसमें इनडेफिनेट आर्टिकल्स भी हैं और डेफिनेट आर्टिकल्स भी हैं, लेकिन आज हम ए और एन यानी इनडेफिनेट आर्टिकल्स पे ही चर्चा करेंगे, तो आगे उसकी बात करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन, बच्चों ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, लेकिन यहां मुख्य रूप से जो बात आती है कि ए का प्रयोग और एन का प्रयोग अलग अलग क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है। जैसे कि आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा, आइए उसको हम और डिटेल में पढ़ें। ए और एन का उपयोग करते समय मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ए और एन का जब भी प्रयोग होता है तो हमें आंखों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, हमें कानों का सुन के विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ए और एन का जो प्रयोग होता है वो देख के नहीं सुन के होता है। कई बार हमें आपने जैसे सुना होगा कि जिन शब्दों की ध्वनि व्यंजन कॉन्सोनेंट से शुरू होती है उनके पहले ए का प्रयोग होता है, लेकिन अक्सर कई शब्द ऐसे होते हैं जिनकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है लेकिन ध्वनि स्वर की बनती है, तो यदि हम देख के उसका प्रयोग करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमसे गलती हो सकती है, इसलिए यहां ध्यान पूर्वक इस चीज को देखें, बहुत आसान है इसको समझना। जिन शब्दों की ध्वनि कंसोनेंट से शुरू होती है उनके पहले ए का प्रयोग होता है। कंसोनेंट यानी व्यंजन, आपने चाहे हिंदी के हिसाब से देख लें चाहे अंग्रेजी के हिसाब से देख लें, अंग्रेजी में वॉवल्स कहते हैं स्वर को और कंसोनेंट कहते हैं व्यंजन को। आपको मालूम है अ आ ई ए ऐ ओ औ अंग अः ये स्वर है हिंदी के, और क ख ग से शत्रक ज्ञ तक ये व्यंजन होते हैं। तो जब हम ए की बात कर रहे हैं तो ए बी सी डी में भी ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी जितने भी अक्षर होते हैं वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं। तो ए का प्रयोग उन शब्दों के पहले होता है जिनकी ध्वनि, ये ध्यान रखिए, जिनकी ध्वनि कंसोनेंट की निकलती है। जैसे अ मैन, यहां पर मैन म म व्यंजन है, तो चूंकि मैन शब्द की जो ध्वनि है वो व्यंजन की बन रही है इसलिए उसके आगे हमने ए लगाया। अब आप देखें दूसरा डॉग, डॉग द, द भी व्यंजन है इसलिए इसके आगे ए लगाया। अगला देखें हाउस, हाउस की भी ध्वनि ह से निकल रही है इसलिए हमने इसके आगे भी ए लगाया। उसके आगे है पेन, पेन की ध्वनि भी प से बन रही है इसलिए हमने इसके आगे ए लगाया। तो बच्चों आपने देखा कि जिन शब्दों की ध्वनि व्यंजन की बनती है कंसोनेंट की बनती है तो उनके पहले हम ए लगाते हैं। अब आप दूसरा पॉइंट देखें, जिन शब्दों का पहला अक्षर वॉवल हो किंतु उसका उच्चारण की ध्वनि व्यंजन की बने तो ऐसे शब्दों के पहले ए का प्रयोग होता है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अक्सर हम गलती कर देते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें देख के नहीं सुन के ए और एन का प्रयोग करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि यदि किसी शब्द के आगे पहला अक्षर वॉवल हो स्वर हो लेकिन उसकी ध्वनि उसके उच्चारण की जो शुरुआत है उसकी ध्वनि कंसोनेंट की बनती है व्यंजन की बनती है तो उनके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के रूप में देखिए आप, पहला अक्षर है यूरोपियन, ये ई से शुरू हो रहा है लेकिन इसकी ध्वनि ई पे नहीं बन रही, इसकी ध्वनि यू पे बन रही है यूरोपियन।
तो यहां पर अगर आप देख के लिखेंगे ए और एन का प्रयोग करेंगे तो ई देखकर आप एन लगा देंगे, लेकिन हमें फिर मैं आपको इस बात पे जोर दे रहा हूं, इस बात पे विशेष जोर दिया जाएगा हमेशा कि ए और एन का प्रयोग हमेशा सुन के करना चाहिए। तो आपने ये शब्द देखा यूरोपियन, ई से शुरुआत हो रही है देखने में, लेकिन उच्चारण इसका किससे बन रहा है? यूरोपियन। तो चूंकि यूरोपियन से उच्चारण इसका बन रहा है और य व्यंजन के रूप में जाना जाता है, कंसोनेंट होता है, इसलिए इसके आगे हम एन नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे। इसी तरह दूसरा शब्द देखें यूनियन, यहां भी इसकी शुरुआत यू से हो रही है, यू स्वर है, लेकिन इसका उच्चारण भी य से हो रहा है, यूनियन। तो इसलिए इसके आगे भी एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? कृपया हाथ उठा के मुझे संकेत दें। क्लियर हो रही है बात? वेरी गुड, वेरी गुड। अब अगला देखें यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी यू से शुरू हो रहा है लेकिन इसका उच्चारण य से, इसको यूनिवर्सिटी नहीं बोलते हैं, यूनिवर्सिटी बोलते हैं, तो इसलिए उच्चारण कंसोनेंट से हो रहा है, या से हो रहा है, इसलिए इसके आगे भी हम ए लगाएंगे। अब एक अगला शब्द देखिए वन, बहुत उपयोग होता है। अब वन में स्पेलिंग इसकी कैसे शुरू हो रही है? ओ एन ई वन, लेकिन हम इसको उच्चारण कैसे करते हैं? व से, इसको अन नहीं बोलते, वन बोलते हैं। तो चूंकि इसका उच्चारण व से होता है, कंसोनेंट से हो रहा है, तो इसलिए इसके आगे भी हम ए लगाएंगे। तो बच्चों ये दूसरा पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि भला ही किसी शब्द का पहला अक्षर कोई वोवल हो या स्वर हो, लेकिन उसका उच्चारण यदि कंसोनेंट से, व्यंजन से उसकी ध्वनि बन रही है, उच्चारण की ध्वनि, तो हम देखने पर जाके सुनने के आधार पर उसमें ए का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों? इज दैट क्लियर टू यू? हाथ उठाएं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखते हैं एन। जिन शब्दों की ध्वनि का स्वर वॉवल से शुरू होता है उनके पहले एन लगाया जाता है। अभी हम ए की बात कर रहे थे, अब हम एन की बात करेंगे। जिन शब्दों का उच्चारण, उसकी ध्वनि वॉवल से शुरू होती है, स्वर से शुरू होती है, उसके आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। आप देखें उदाहरण एंड, आंट, चींटी को आंट कहते हैं, आंट का उच्चारण अ से शुरू होता है, इसलिए हमने इसके आगे एन लगाया, एन आंट। दूसरा देखें ऑरेंज, ऑरेंज के आगे भी ओ लगा हुआ है लेकिन इसका उच्चारण ओ से शुरू हो रहा है, स्वर से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके आगे भी हम एन लगाएंगे। एन एप्पल, एप्पल के पहले एन लगाया गया है क्योंकि एप्पल का उच्चारण भी अ से शुरू हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है जो कि स्वर की ध्वनि है, इसलिए इसके आगे भी हम एन लगाएंगे। अगला देखें इंच, इंच का आई से शुरुआत हो रही है, इसका उच्चारण भी ई से हो रहा है, इसलिए इसके आगे हम एन लगाएंगे। अगला शब्द देखें अम्ब्रेला। बच्चों ये देख रहे हैं आप कि अम्ब्रेला का जो शुरुआती अक्षर है वो यू है। हमने ए के आपने देखे होंगे, यहां पर भी यू से शुरू होने वाले दो शब्द हैं, लेकिन यहां इनका उच्चारण य से हो रहा है। अब आप अम्ब्रेला देखें, अम्ब्रेला में भी यू से शुरुआत हो रही है लेकिन इसका उच्चारण किससे शुरू हो रहा है? अ से। दोनों जगह यू है, एक जगह य से शुरुआत हो रही है उच्चारण की तो हमने ए लगाया, लेकिन यहां अम्ब्रेला की भी शुरुआत यू से हो रही है लेकिन इसका उच्चारण अ बन रहा है, तो चूंकि स्वर का बन रहा है इसलिए यहां पर हम इसके आगे एन लगाएंगे। इसी तरह अगला अक्षर देखें एलिफेंट, एलिफेंट का पहला अक्षर ई है और इसकी शुरुआत भी स्वर का है, वोवल का है, इसलिए इसके आगे भी हम एन लगाएंगे। तो बच्चों आपने देखा सामान्य रूप से जिन शब्दों की ध्वनि पहली ध्वनि वोवल की निकलती है, स्वर की निकलती है, तो उनके आगे हम एन लगाएंगे। अब दूसरा पॉइंट देखें कि जिन शब्दों का पहला अक्षर कंसोनेंट हो किंतु उच्चारण की ध्वनि स्वर की बने,
तो ऐसे शब्दों के पहले एन का प्रयोग होता है। कई शब्द ऐसे भी बने होते हैं जिनकी शुरुआत का ही अक्षर कंसोनेंट होता है लेकिन उसकी ध्वनि कंसोनेंट की ना होकर स्वर की बनती है, तो ऐसे शब्दों के पहले हम एन का ही प्रयोग करेंगे। उदाहरण के रूप में पहला अक्षर का शब्द जो दिया है आर, आर यानी घंटा। अब आर की शुरुआत एच से हो रही है लेकिन आपको मालूम है इसमें एच साइलेंट है, एच से शुरुआत नहीं होती ध्वनि की, ध्वनि की शुरुआत ओ से होती है और हम इसको आर बोलते हैं, हवर नहीं बोलते आर बोलते हैं। तो चूंकि ध्वनि इसकी स्वर की बन रही है, वोवल की बन रही है, इसलिए इसके पहले हम एन का प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे एन आर। इसी तरह ईमानदार को अंग्रेजी में कहते हैं ऑनेस्ट और ऑनेस्ट के स्पेलिंग होते हैं एच ओ एन ई एस टी। अब यहां पर भी इस ऑनेस्ट शब्द की जो का पहला अक्षर है वो एच से शुरू हो रहा है लेकिन ध्वनि एच से नहीं बन रही, इसको ऑनेस्ट नहीं बोलते, इसकी ध्वनि बनती है ओ से, ऑनेस्ट। एच यहां पर भी साइलेंट रहता है तो हम ऑनेस्ट ध्वनि सुनकर, क्योंकि ये ध्वनि वोवल की बन रही है, स्वर की बन रही है, इसलिए हम इसके आगे भी एन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों ये चीज बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी अब तक कि जब भी ए और एन का प्रयोग करते हैं तो हमें देखकर नहीं सुनकर प्रयोग करना है। हमें ये नहीं देखना कि उस शब्द की जो शुरुआत हो रही है वो किस अक्षर से हो रही है, हमें ये देखना है कि उस शब्द की जो शुरुआत हो रही है उसकी ध्वनि क्या है, शुरुआती ध्वनि क्या है। अगर शुरुआती ध्वनि कॉन्सोनेंट की हो, व्यंजन की हो, तो हम ए का प्रयोग करेंगे और शुरुआती ध्वनि अगर स्वर की हो यानी वॉल की हो तो अब हम एन का प्रयोग करेंगे। अब बच्चों एक चीज और हमें ध्यान देने चाहिए कि जब कोई शब्द डब्ल्यू या वाई से प्रारंभ होता है तो उसके पहले ए का प्रयोग होता है। अक्सर हम लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, जैसे ए वीक, डब्ल्यू से शुरुआत हुई वीक व, तो इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। अगला शब्द है विंडो, विंडो में भी व से शुरुआत हो रही है ध्वनि की, इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। अ यार्ड, यार्ड य से शुरुआत हो रही है इसलिए हम ए का प्रयोग करेंगे। बच्चों ध्यान से देखिए जो अगला शब्द है ईयर, यहां पर अक्सर कंफ्यूजन होता है और इसमें अक्सर चर्चा होती है कि ईयर के आगे एन ईयर कहा जाए या ए ईयर कहा जाए। बच्चों यहां क्लियर कर लीजिए, यह बहुत जरूरी है, ईयर की जो शुरुआत होती है वो ई से नहीं होती, जैसे आपको नीचे बताया गया है। जैसे हम यस की उच्चारण करते हैं, यस का उच्चारण य से होता है, उसी तरह यर का उच्चारण जो साल के लिए वाई ई ए आर शब्द का प्रयोग किया जाता है उसका उच्चारण य से होता है, ई से नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिए ईयर के पहले हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। ये कंफ्यूजन अगर हो आपको तो दूर कर लें, ईयर के पहले हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जैसे हम वाई से यस का प्रयोग करते हैं, यस में जो वाई का उच्चारण होता है य, उसी तरह ईयर में भी वाई का उच्चारण य के रूप में होता है, इसलिए ईयर के आगे हमेशा ए का प्रयोग होता है। ये बात क्लियर हो गई आपको, ये कंफ्यूजन दूर हो गया आपका, मुझे संकेत दीजिए हाथ उठा के। ये रिस्पॉन्स, बाकी लोग बताएं आपको क्लियर, बालाघाट आपको ये कंफ्यूजन दूर हो गया कि ईयर के आगे हमेशा ए आएगा और उसका उच्चारण ई से नहीं होता है, य से होता है। ठीक है, जैसे हम वाई के साथ जब यस बोलते हैं य के रूप में, उसी तरह जब वाई ईयर के आगे लगता है तो उसका उच्चारण ई नहीं य ही होता है, इसलिए हम ईयर के आगे ए का ही प्रयोग करते हैं। अच्छा बच्चों अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है इसके साथ, एब्रीविएशंस। एब्रीविएशंस आप सब समझते होंगे,
जो संक्षिप्त रूप होता है किसी चीज का, जैसे वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन को अपन वीआईपी बोलते हैं, मध्य प्रदेश को एमपी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट बात होती है तो अपन आईएमपी बोल देते हैं कि ये क्वेश्चन आईएमपी है, मतलब इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट करके जब हम बोलते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि मैंने एमए कर लिया, मैंने बीए कर लिया, है ना, तो ये एब्रीविएशंस कहलाते हैं। तो एब्रीविएशंस के पहले भी ए और एम का प्रयोग होता है, और एब्रीविएशंस के पहले ए और एम के उपयोग का क्या कायदा है, ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ए और एम का उपयोग एब्रीविएशंस के पहले अक्षर के उच्चारण की ध्वनि के आधार पर किया जाता है। यदि उच्चारण की ध्वनि वोवल की बनती है तो एम का प्रयोग किया होता है, और ध्वनि कंसोनेंट की बनती है तो ए का प्रयोग होता है। बच्चों ये आप निश्चिंत कर लें कि ए के साथ कंसोनेंट की ध्वनि आनी चाहिए और एम के साथ वोवल की ध्वनि आनी चाहिए। ये नियम सब पे लागू होता है। अब यहां पर हम ध्वनि किस प्रकार उसकी निकालेंगे, किस प्रकार उसका निर्धारण करेंगे, ये मैं उदाहरण के रूप में आपको दिया हुआ है। नीचे पहला वाक्य देखें, माय ब्रदर इज एन एम ए, मतलब मेरे भाई ने एम ए किया हुआ है, मेरा भाई एम ए है। तो यहां पर जब हम एम ए बोलेंगे तो इसको मां नहीं बोलते, हम एम ए बोलते हैं। एब्रीविएशंस जब भी बोले जाते हैं उनका उच्चारण किया जाता है, तो हर अक्षर का उच्चारण पृथक पृथक से किया जाता है, एम ए, सी ए, यू एन ओ, एन आर आई, वी आई पी, तो इसको हमेशा अलग अलग अक्षर का उच्चारण किया जाता है। तो जैसा कि ऊपर लिखा गया है, आपको बताया गया है कि एब्रीविएशंस के पहले जब भी ए और एम का प्रयोग करते हैं तो उस एब्रीविएशन का जो पहला अक्षर है हमको ये देखना है कि उसकी ध्वनि स्वर की बन रही है या कंसोनेंट की बन रही है। अगर वॉवल की बन रही है, स्वर की बन रही है, तो उसके आगे हम एन लगाएंगे, और अगर कंसोनेंट की बन रही है या व्यंजन की बन रही है तो उसके आगे हम ए लगाएंगे। माय ब्रदर इज एन एम ए, यहां पर हम एम ए कह रहे हैं। अब एम क्या उच्चारण किससे बन रहा है, आ से, एम ए, तो ए स्वर है, इसलिए हम कहेंगे माय ब्रदर इज एन एम ए। दूसरा देखें, हिज सिस्टर इज अ सी ए, सी ए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ी डिग्री होती है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इसका फुल फॉर्म है, लेकिन यह एब्रीविएशन या संक्षिप्त रूप में हम बोल रहे हैं सी ए। सी ए का उच्चारण किससे बन रहा है, स से, तो यहां पर उच्चारण व्यंजन का बन रहा है, कंसोनेंट का बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे हिज सिस्टर इज अ सी ए। अगला देखें, इंडिया इज अ यूएनओ मेंबर, यूएनओ बच्चों आप सब समझते होंगे, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, आपने सुना होगा संयुक्त राष्ट्र संघ, सामाजिक विज्ञान में, सोशल स्टडीज में आपने पढ़ा होगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, और उसको उसका एब्रीविएशन है यूएनओ। तो भारत भी हमारा यूएनओ का मेंबर है, उसका सदस्य है, तो हम कह रहे हैं इंडिया इज अ यूएनओ मेंबर। अब यू पहला उच्चारण या का होगा, तो इसलिए क्योंकि इसका उच्चारण व्यंजन का बन रहा है तो हम इसके आगे ए लगाएंगे, इंडिया इज अ यूएनओ मेंबर, मतलब यूएनओ के तो कई देश मेंबर हैं, बहुत सारे देश मेंबर हैं, तो भारत भी उसमें से एक देश है। चौथा देखें, मिस्टर तेजा इज एन एन आर आई, बच्चों एनआरआई का भी आप फुल फॉर्म जानते होंगे, नॉन रेजिडेंट इंडियन, मतलब जो भारत मूल के लोग विदेशों में बस जाते हैं, रहते भारतीय हैं, भारत मूल देश है उनका, लेकिन विदेशों में बस जाते हैं, दूसरे देशों में बस जाते हैं, तो उनको एनआरआई बोलते हैं, यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन। इसका एनआरआई का उच्चारण एन से होगा शुरुआत, एन ए से बन रही है इसकी शुरुआत, स्वर से बन रही है, तो हम ये कहेंगे मिस्टर तेजा इज एन आर आई, ठीक है ना। अगला देखें, हर अंकल इज अ वी आई पी, बच्चों वी आई पी तो सब जानते होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो वी आई पी रहते हैं, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, बड़े उद्योगपति, हमारे स्कूल के बड़े जो अधिकारी होते हैं, ये वी आई पी की श्रेणी में आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो वी आई पी का फुल फॉर्म क्या है,
वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वीआईपी। अब वी से इसका शुरुआत हो रही है इस एब्रीविएशन की, और वी का जो शुरुआत हो रही है वो किससे हो रही है, व से, और वह व्यंजन है तो इसलिए इसके आगे भी हम ए लगाएंगे। हर अंकल इज अ वीआईपी, उसके जो अंकल हैं वो एक वीआईपी है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया कि एब्रीविएशन के आगे जब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं तो एब्रीविएशन का जो पहला अक्षर, बच्चों ध्यान दीजिएगा, एब्रीविएशन का जो संक्षिप्त रूप में जो लिखा जाता है उसका जो पहला अक्षर है, उस पहले अक्षर की ध्वनि की शुरुआत किसकी हो रही है। अगर ध्वनि की शुरुआत व्यंजन की हो रही है, कंसोनेंट की हो रही है, तो देन वी विल यूज ए। और यदि उस अक्षर की पहली ध्वनि जो बन रही है वो स्वर की बन रही है, बॉल की बन रही है, तो देन वी विल यूज एन। ये आसान है बच्चों, ये याद रखिएगा। तो आपको स्वर और व्यंजन की ध्वनि, वॉल और कंसोनेंट की ध्वनि, आप इस चीज को याद करके ए और एन का प्रयोग करेंगे तो आपसे कभी भी गलती नहीं होगी। अब बच्चों कई बार हम एब्रीविएशन याद करते हैं और कई बार हम फुल फॉर्म्स लिखते हैं या बोलते हैं, तो जब हम फुल फॉर्म्स बोलेंगे एब्रीविएशन, तो बच्चों ये देखिए आप एब्रीविएशन में तो मैंने आपको बताया कि जो पहला अक्षर है उसकी ध्वनि को हमें देखना है, सुनना है कि वो अक्षर की ध्वनि क्या बन रही है। लेकिन जब हम फुल फॉर्म्स लिखते हैं या बोलते हैं तो अब हमें पहले शब्द की ध्वनि देखनी है, अब हमें अक्षर की ध्वनि नहीं देखनी, क्योंकि हमने फुल फॉर्म लिखा है, पूरे शब्दों में लिखा है, तो अब यहां पर हमें उसकी पूरे शब्द की ध्वनि क्या बन रही है, उसकी शुरुआत क्या हो रही है, उसको देखकर हमें एब्रीविएशन ए और एन का प्रयोग करना है। ए और एन का उपयोग फुल फॉर्म से पहले अक्षर के उच्चारण की ध्वनि के आधार पर किया जाता है। यदि उच्चारण की ध्वनि वोवल की बने तो हम एन का प्रयोग करते हैं, और उच्चारण की ध्वनि यदि कंसोनेंट की बने तब हम ए का प्रयोग करते हैं। जैसे आप देखिए यहां पर पहला जो उदाहरण है, माय ब्रदर इज एन एम ए, यहां पर हमने एम ए के आगे एन का प्रयोग किया है क्योंकि हमने एब्रीविएशन यूज करी है, और एब्रीविएशन में एम का जो उच्चारण बनता है वो अ से बनता है, इसलिए हमने एन का प्रयोग किया। लेकिन जब हम इसे पूरे फुल फॉर्म में लिखेंगे तो आप पहला उदाहरण देखें, माय ब्रदर इज अ मास्टर इन आर्ट्स, अब यहां पर एम ए का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था मास्टर इन आर्ट्स, कला समूह में मास्टर, तो यहां पर अब हम एम नहीं पढ़ेंगे, हम मास्टर पढ़ेंगे। तो जब हमने मास्टर पढ़ा तो मास्टर की ध्वनि किससे बन रही है, मां से बन रही है, तो मां का जो उच्चारण है वो अब स्वर का ना होके व्यंजन का हो गया। तो जब हम इसकी एब्रीविएशन लिखेंगे तो हम कहेंगे माय ब्रदर इज एन एम ए, लेकिन जब हम फुल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे माय ब्रदर इज अ मास्टर इन आर्ट्स। क्लियर हो गया बच्चों, इज दैट क्लियर टू यू, हाथ उठाइए, ये चीज क्लियर हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड। अगला देखें, हिज सिस्टर इज सी ए, ये हमने पहले पढ़ा था, तो हिज सिस्टर इज एन सी ए, अब वहां पर जो छोटा फॉर्म है उसका उच्चारण भी किससे बन रहा है, व्यंजन से बन रहा है, ये देखें हिज सिस्टर इज अ सी ए, यहां पर भी जब हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं तब भी उसका उच्चारण की ध्वनि व्यंजन की बन रही है, कंसोनेंट की बन रही है, और जब हमने फुल फॉर्म में लिखा हिज सिस्टर इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो दोनों ही जगह क्योंकि ध्वनि कंसोनेंट की बन रही है, व्यंजन की बन रही है, इसलिए हमने दोनों ही जगह ए लगाया है, ठीक है ना। अब अगला देखें, मिस्टर तेजा इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, पहले हमने जब शॉर्ट फॉर्म में लिखा था तब हमने एनआरआई लिखा था, और एन के जो उच्चारण की ध्वनि इसकी बन रही थी, अ की बन रही थी, एनआरआई, इसलिए हमने यहां पर एन लगाया। लेकिन जब हम इसको फुल फॉर्म में लिख रहे हैं तो हमने लिखा मिस्टर तेजा इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो यहां पर अब हमने नॉन शब्द का उच्चारण करना पड़ेगा, वहां तो हमने अक्षर का उच्चारण किया एन का, लेकिन यहां पर पूरे शब्द का उच्चारण किया तो उच्चारण बनता है नॉन, नॉन के उच्चारण की ध्वनि ना से शुरू हो रही है,
और चूंकि ये ध्वनि न से शुरू हो रही है इसलिए अब यहां पर व्यंजन की ध्वनि बनने से, कंसोनेंट की ध्वनि बनने से हम यहां पर ए लगाएंगे। तो हमारा वाक्य हो जाएगा मिस्टर तेजा इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन। अब अगला देखें, हर अंकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, उसके अंकल एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। अब हमने जब एब्रीविएशन इस्तेमाल किया, एब्रीविएशन का जब उपयोग किया था तभी ए आया। क्यों ए आया? क्योंकि वी का उच्चारण करेंगे तो भी वह आएगा, और जब इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तब भी वह ही उच्चारण के रूप में, पहली ध्वनि के रूप में आता है, इसलिए यहां भी कोई अंतर नहीं आएगा। तो बच्चों इन उदाहरणों से आपने देखा होगा कि चाहे पहले अक्षर का उच्चारण करना हो या पहले शब्द का उच्चारण करना हो तो उच्चारण के आधार पे ही हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ए और एन के प्रयोग करने में सबसे महत्वपूर्ण उच्चारण है, ध्वनि है, मतलब हमारे काम का, कान का काम ज्यादा है, आंख का काम इतना नहीं है जितना कान का काम है। तो ए और एन का उपयोग करते समय हमेशा अपने कान का उपयोग करके निर्धारण करें, ये बहुत जरूरी है। आपने कान का उपयोग करके ए और एन का निर्धारण करेंगे तो कभी भी आपसे गलती नहीं होगी, कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वही हमने कंपैरिजन फिर करा है आपकी सुविधा के लिए, जिन बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हुई है वो एक बार फिर देख लें। माय ब्रदर इज एन एम ए, यहां पर एम के उच्चारण में अ की ध्वनि पहले आ रही है, अ की साउंड बन रही है तो इसलिए हम एन लगाएंगे। यदि उसको हम फुल फॉर्म में लिखते हैं और कहेंगे माय ब्रदर इज अ मास्टर इन आर्ट्स, तो यहां पर मास्टर की ध्वनि म से शुरुआत हो रही है ध्वनि की, इसलिए ए लगाएंगे। दूसरा उदाहरण देखें, मिस्टर तेजा इज एन एन आर आई, मिस्टर तेजा एक एन आर आई है और यहां पर एन की जो ध्वनि बन रही है वो अ की बन रही है इसलिए हम एन लगाएंगे। जब इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो मिस्टर तेजा इज अ नॉन रेजिडेंट इंडियन, मिस्टर तेजा एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है, यहां पर पूरे शब्द नॉन का उच्चारण न से बन रहा है तो इसमें ध्वनि परिवर्तन हो गई, इसकी ध्वनि सर से व्यंजन की हो गई, वॉल से कंसोनेंट की हो गई, इसलिए अब हम इसके आगे ए लगाएंगे। इसी तरह अगला उदाहरण देखें, हर अंकल इज अ वी आई पी, यहां भी जो वी की जो ध्वनि बन रही है वो कंसोनेंट की बन रही है इसलिए ए लगाया। जब हम इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं, हर अंकल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो जब फुल फॉर्म में लिखेंगे तब भी ध्वनि जो है वेरी की कंसोनेंट की बनी रही है इसलिए यहां पर भी ए का ही प्रयोग करेंगे। एक उदाहरण देखिए, एटीएम, एटीएम से तो सब आप परिचित हैं, आप जाते होंगे पैसे निकालते होंगे, तो जब हम कहेंगे कि पास में ही एक एटीएम है तो हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज एन एटीएम नियर बाय। अब यहां पर ए का उच्चारण स्वर का ही बन रहा है तो देयर इज एन एटीएम नियर बाय, नियर बाय मतलब पास में। अब जब हम इसका फुल फॉर्म बोलते हैं तो देयर इज एन ऑटोमेटिक टेलर मशीन नियर बाय, तो यहां पर ऑटो एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। तो यहां पर ऑटोमेटिक शब्द का जो पहला उच्चारण है, पहली ध्वनि है, वो भी अ की बन रही है तो अ की बनने से वही स्वर की बनेगी इसलिए दोनों में ही एन का प्रयोग होगा, चाहे आप शॉर्ट फॉर्म में लिखें, एब्रीविएशन में लिखें या फुल फॉर्म में लिखें। बच्चों टेलर का मतलब होता है कैशियर, कैशियर जो कैश का काम करता है ना, बैंक में होते हैं जब आप कैश जमा कराते हैं या जिनसे आप पैसा लेते हैं तो कैशियर कहलाता है। तो ये मशीन के द्वारा चूंकि कैश का निकालने का काम होता है, कई मशीन ऐसी भी आ गई जिनमें कैश आप जमा भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसको टेलर मशीन कहते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो कैशियर का काम करती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, क्लियर हो गया बच्चों, ये चीज क्लियर हो गई, हाथ उठा के मुझे संकेत देते रहिए जिससे मुझे भी समझ में आए कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है, गुड। क्योंकि बेटा ये आप लोग समझ लें कि पढ़ाने वालों को भी मोटिवेशन की जरूरत होती है, उनको भी सुकून सुख तभी मिलता है जब बच्चों के ये जताते रहें, बताते रहें कि उनको समझ में आ रहा है, तो हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी आनंद आता है।
अब बच्चों एक महत्वपूर्ण बात पे आते हैं। क्लास में जब मैं ये पढ़ा रहा था ए और एन, तो मेरे क्लास में एक मेरे बच्चे ने पूछा, स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये ए और एन का ये उपयोग करते क्यों हैं, एक ही क्यों नहीं रखते, ये अलग अलग उपयोग करने की जरूरत क्या है, कंसोनेंट के आगे भी ए लगा दें, वॉवल के आगे भी ए लगा दें, या कंसोनेंट के आगे भी एन लगा दें और वॉवल के भी आगे एन लगा दें। आपके दिमाग में कभी आई है ये चीज कि ए और एन का उपयोग अलग अलग हम क्यों करते हैं? तो बच्चों पहले एन का प्रयोग होता था, लेकिन यहां पर आपके बोलने को आसानी से आप बोल सकें और साफ रूप से साफ तौर पर बोल सकें, सामने वाला जो आपकी बात सुन रहा है जब ए और एन के साथ किसी शब्द का प्रयोग करें तो साफ तौर पे आपको बोलने में आसानी भी रहे और उसको सुनने में भी आसानी रहे, इस कारण ए और एन का प्रयोग किया गया। इसके ऊपर काफी शोध किया, इसके ऊपर रिसर्च हुई, तब फिर ये वाला कॉन्सेप्ट निकाला गया, उनको समझ में आया कि जब ए का प्रयोग वॉवल के आगे करते हैं, वॉवल वाले की ध्वनि वाले शब्दों के आगे करते हैं, तो वो शब्द ए का और वॉवल वाली ध्वनि शब्द का जो सुनाई देना या बोलना आसान नहीं होता। और इसी तरह जब वॉवल का प्रयोग कंसोनेंट की ध्वनि वालों के शब्दों के साथ करते हैं एन का प्रयोग, तब वो ध्वनि इतनी क्लियर या आसान नहीं होती, इसलिए ये नियम निकाला गया है। अब आप देखिए एप्पल, एक आप कुछ शब्द चुन लीजिए, जैसे मैंने ये शब्द लिखे हैं आपको दिख रहे होंगे, या अपनी कॉपियों में लिख लीजिए आप, एप्पल, ऑरेंज, आउल, अम्ब्रेला, आई, बॉय, सिटी, टाइगर, मैंगो, लेटर, इस तरह से आप शब्द चुन लीजिए जिनका किन्हीं का उच्चारण स्वर से शुरू हो रहा हो, किन्हीं का उच्चारण कंसोनेंट से शुरू हो रहा हो। अब जैसे पहला अक्षर है, पहला शब्द है एप्पल, एप्पल का जो निकल रही है अ, और नियम के अनुसार इसके आगे हम क्या लगाते हैं, एन। अब आप इसको ए लगा के बोलें, ए लगा के अपनी क्लास में प्रैक्टिस करें, बोल के देखें, एक्सपेरिमेंट करें, अ एप्पल, अ एप्पल, और एन एप्पल बोल के देखिए, एन एप्पल, एन भी लगा के देखें और ए भी लगा के देखें, तो आप देखेंगे कि आपको एन एप्पल कहने में ज्यादा सुविधा हो रही है और जो सुन रहा है उसको एन एप्पल ज्यादा अच्छे से सुनाई दे रहा है, अ एप्पल, अ एप्पल, तो आपको यहां पर बोलने में दिक्कत हो रही है कि कहां ए को खत्म करें और कहां एप्पल शुरू करें, तो सुनाई देने वाले को भी वो दोनों शब्द अलग अलग नहीं पता चल रहे। बच्चों भाषा जो होती है जब बोली जाती है तब सामने वाले को तभी समझ में आती है, चाहे वो कोई सी भी भाषा हो, जब उसका हर शब्द अलग अलग रूप से उच्चारित हो, उसका प्रोनंसिएशन में डिफरेंस पता चले, उनके प्रोनंसिएशन में बीच में फर्क पता चले, तब हर शब्द का उच्चारण क्लियर हो पाता है और भाषा सामने वाले तक पहुंच पाती है। जब हम एन और ए का प्रयोग करते हैं तो हम इसीलिए करते हैं कि वॉवल साउंड वाले जो शब्द होते हैं, जिनका ध्वनि, जिन शब्दों की ध्वनि स्वर से शुरू होती है, वॉवल से शुरू होती है, उनके आगे हम जब एन लगाते हैं तो उनका दोनों का उच्चारण, एन का उच्चारण और शब्द का उच्चारण पृथक पृथक अलग अलग होके क्लियरली सुनाई पड़ता है। और अगर यदि वॉवल की ध्वनि वाले शब्दों के आगे ए लगा के उच्चारित किया जाए, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसको उच्चारित किया जाता है, इसको प्रोनाउंस किया जाता है, तब दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, तो बोलने वाले के लिए भी दिक्कत होती है और सुनने वाले के लिए भी दिक्कत होती है। और इसी तरह जहां कंसोनेंट वाले शब्द होते हैं, जिनकी ध्वनि, जिनका पहली ध्वनि कंसोनेंट की बनती है या व्यंजन की बनती है, उसके आगे अगर आप एन लगाएंगे तो वो सही ढंग से ना बोला जाएगा ना सुना जा सकता है। तो इसी फर्क को करने के लिए, इसी क्लैरिटी को बनाने के लिए, बोलने की और सुनने की स्पष्टता को बनाने के लिए ये ए और एन का नियम लागू किया गया। तो चूंकि बच्चों इसका मुख्य आधार सुनना था, बोलना और सुनना था, इसलिए ए और एन के निर्धारण में हमें देखने से ज्यादा सुनने का भरोसा करना होता है।
कि हमें किस रूप में ये सुनाई दे रहा है, स्वर के रूप में सुनाई दे रहा है या व्यंजन के रूप में सुनाई दे रहा है, और सुन के जब हम ए और एन का निर्धारण करते हैं तो उसमें कोई भी गलती होने की संभावना नहीं रहती। ये क्लियर हो गया बच्चों आपको, ए और एन का प्रयोग अलग अलग क्यों किया जाता है? इज दैट क्लियर टू यू? हाथ उठा के मुझे बता दें, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। वेरी गुड, आपको अच्छा लग रहा है, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए अब आगे हम थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज करने से पहले एक बार आप रिवीजन चाहेंगे इसका? अगर रिवीजन चाहते हैं एक छोटा सा तो हाथ उठाएं। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। ये कुछ सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, सबको क्लियरली दिख रहे हैं ये जो एक्सरसाइजेस के रूप में आपको वाक्य दिए गए हैं? अगर क्लियरली दिख रहे हैं हाथ उठा दें। बेटा आपको मैं बार बार हाथ उठाने के लिए कह रहा हूं, लेकिन मेरे इसी क्या से मैं जान पाऊंगा कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं। तो ये पहला सेंटेंस है, आप सब लोग नोट भी करते जाएं अगर चाहें तो। ही इज डैश टीचर, टीचर। अब हमें आर्टिकल किसके पहले लगाना है? केवल ए और एन लगाना है। अभी हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स की चर्चा कर रहे हैं, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहां केवल आपको ए और एन का ही प्रयोग करना है। अब हम किसके आगे प्रयोग करेंगे ए और एन का? करना है टीचर के आगे। ट, ट की ध्वनि किसकी बन रही है? व्यंजन की बन रही है, कंसोनेंट की बन रही है, तो इसके आगे क्या आएगा? आपको अंदाजा लग गया होगा बच्चों, यस, इसके आगे ए आएगा, क्योंकि ट व्यंजन है और व्यंजन की ध्वनि के पहले हमेशा ए का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? दूसरा वाक्य देखें। शी हैज डैश कार। अब ए या एन का प्रयोग किसके पहले करना है? कार के पहले। और कार की ध्वनि का पहली ध्वनि किसकी बन रही है? क। क भी व्यंजन है, इसलिए इसके आगे भी ए आएगा। शी हैज अ कार। अगला वाक्य देखें। आई सॉ डैश टाइगर एट द जू। मैंने एक टाइगर देखा। अब यहां एक के लिए ए का प्रयोग होगा या एन का? आप देखें, टाइगर, टाइगर शब्द का भी उच्चारण ट से बन रहा है, यानी व्यंजन से बन रहा है, इसलिए उसके आगे भी ए का प्रयोग होगा। आई सॉ अ टाइगर एट द जू। चौथा वाक्य देखें। ही इज डैश एक्टर। एक्टर तो सब आप जानते होंगे, एक्टिंग करने वाला अदाकार। तो यहां अब किसके आगे प्रयोग होना है? एक्टर के आगे। और एक्टर की ध्वनि किसकी बन रही है? स्वर किसका बन रहा है? वॉवल का, स्वर का, अ। तो इसलिए यहां पर आएगा ही इज एन एक्टर। पांचवा देखिए। शी डिडंट गेट डैश इनविटेशन। इनविटेशन मतलब निमंत्रण। अब इनविटेशन की जो ध्वनि बन रही है वो किसकी बन रही है? ई की बन रही है, और ई भी स्वर है, इसलिए इसके आगे भी एन आएगा। शी डिडंट गेट एन इनविटेशन। ठीक है ना बच्चों? छठवां देखें। आई सॉ डैश ईगल ऑन द रूफ। ईगल यानी बाज। ईगल, इसके ध्वनि किसकी बन रही है? स्वर की बन रही है, ई, ईगल। तो आपने पद लिख लिया होगा। जी बच्चों, बिल्कुल ठीक लिखा आपने। आई सॉ एन ईगल ऑन द रूफ। सातवां देखिए। ही इज डैश एक्सीलेंट टीचर। वो बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो यहां पर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट भी, इसकी ध्वनि भी ए, स्वर की बन रही है, तो इसके आगे भी क्या आएगा? एन। ही इज एन एक्सीलेंट टीचर। आठवां वाक्य देखिए। आई गॉट डैश वन रुपी कॉइन। अब बच्चों यहां पर ए और एन का प्रयोग किसके सामने करना है? व
वन के सामने। लेकिन हमने जैसे पहले देखा बताया कि अगर आप देखेंगे तो आपको वन के आगे ओ दिखेगा, वैसे तो ओ वॉवल है लेकिन इसका उच्चारण वॉवल का न होते हुए वन है, यानी कंसोनेंट से हो रहा है, तो इसलिए हम यहां पर ओ होते हुए भी हम ए का प्रयोग करेंगे क्योंकि इसका उच्चारण अन नहीं बन रहा, वन बन रहा है। इसलिए आई गॉट अ वन रूपी कॉइन, आई गॉट अ वन रूपी कॉइन। आई ओनली हैव डैश आर फॉर लंच, मेरे पास लंच के लिए केवल एक घंटा है। तो यहां पर भी खाली स्थान के बाद कौन सा शब्द है? आर। भले ही इसकी शुरुआत एच से हो रही है लेकिन इसका जो उच्चारण है उसकी पहली ध्वनि अ की बन रही है, तो आई ओनली हैव एन आर फॉर लंच। दसवां देखें, हिज नेम बिगिंस विद डैश एफ, उसका नाम एक एफ से शुरू होता है, एफ। अब बच्चों यहां पर केवल एक अक्षर लिखा है तो इसको फा पढ़ेंगे कि एफ पढ़ेंगे? इसको एफ पढ़ेंगे ना, क्योंकि अक्षर को हम अक्षर का उच्चारण करना है हमें, तो चूंकि ये फा है एफ है, एफ तो कंसोनेंट है लेकिन इस अक्षर का उच्चारण करना है हमें कि उसका जो नाम है वो एफ से शुरू होता है, तो एफ अ से शुरू हो रहा है तो इसलिए इसके आगे आएगा एन। हिज नेम बिगिंस विद एन एफ। बच्चों आपकी एक्सरसाइज सही हो गई, सबके सही हो गए, क्लियर हुए सबके? हाथ उठा के बताएं, सबको क्लियर हो गए? वेरी गुड, शाबाश। विदिशा वाले बच्चे बहुत जोश से हाथ हिला रहे हैं, वेरी गुड, आपको सब बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए 10 सेंटेंस हम और देख लेते हैं, ये आपके स्क्रीन पे 10 सेंटेंस और आ गए हैं। अब मैं समझता हूं, मैं तो आपको समझाऊंगा लेकिन मैं समझता हूं कि आप मुझसे पहले आप कर लेंगे। पहला इसमें सेंटेंस है, आई वॉन्ट डैश एप्पल, आई वॉन्ट डैश एप्पल। आपने कर लिया होगा, ए या एन? सीधा हाथ उठाइए तो मैं मान लूंगा ए, और उल्टा हाथ उठाएंगे तो मान लूंगा एन। ए या एन? वेरी गुड, इसमें आएगा एन। आई वॉन्ट एन एप्पल। आई बोरोड डैश पेंसिल, पेंसिल प। क्या आएगा इसमें, ए या एन? आई बोरोड अ पेंसिल, गुड। तीसरा देखें, आई बॉट डैश अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शब्द है, अ से शुरुआत हो रही है उच्चारण से, तो इसलिए आई बॉट एन अम्ब्रेला। अवर नेबर्स हैव कैट, हमारे पड़ोसियों के पास बिल्ली है, तो यहां पर कैट, तो अवर नेबर्स हैव अ कैट। अगला वाक्य देखें, इमरान नीड्स डैश बुक टू रीड, इमरान को एक किताब चाहिए पढ़ने के लिए, तो ए और एन का प्रयोग किसके पहले करना है? बुक के पहले। बुक की ध्वनि, शुरुआती ध्वनि क्या है? ब, व्यंजन की है, इसलिए इमरान नीड्स अ बुक टू रीड। मे आई गेट डैश ग्लास ऑफ वॉटर, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? यहां पर ग्लास के पहले आर्टिकल लगाना है, ग्लास का उच्चारण की ध्वनि पहली ध्वनि ग की बन रही है, व्यंजन की बन रही है, तो मे आई गेट अ ग्लास ऑफ वॉटर। आई रियली नीड अ हेल्पर, सॉरी मैंने आपको उत्तर बता दिया, आई रियली नीड डैश हेल्पर, मुझे वास्तव में एक सहायक की जरूरत है। यहां पर हेल्पर के पहले क्या आएगा? ह, ह व्यंजन की ध्वनि है इसलिए ए आएगा। आई रियली नीड अ हेल्पर। दिस इज अ वंडरफुल डे, आज बड़ा
बढ़िया दिन है, बहुत खूबसूरत दिन है, मजेदार दिन है, दिस इज अ वंडरफुल डे, व वंडरफुल व की ध्वनि बन रही है, इसलिए इसके आगे भी दिस इज अ वंडरफुल डे. इट इज डैश ऑनर टू गेट फर्स्ट क्लास, पहली श्रेणी में आना बहुत सम्मान की बात है. तो इट इज डैश ऑनर, ऑनर की भी जो ध्वनि बन रही है, पहली ध्वनि किसकी है, ओ की, एच इसमें भी साइलेंट रहता है. तो इट इज एन ऑनर टू गेट फर्स्ट क्लास. कैन यू गिव मी डैश कैलकुलेटर, क्या आप मुझे कैलकुलेटर दे सकते हैं. तो यहां पर आर्टिकल का प्रयोग किसके पहले करना है, कैलकुलेटर के पहले, क, कैलकुलेटर की पहली ध्वनि क की है. तो आप क्या लिखेंगे, कैन यू गिव मी अ कैलकुलेटर. तो बच्चों ये हमने ए और एन के बारे में चर्चा की, एक्सरसाइजेस की. क्या आपको भरोसा है कि अब आपकी ए और एन के संबंध में कभी गलती नहीं होगी, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको बिल्कुल भरोसा है, हाथ उठा दीजिए एक बार, मन से हाथ उठा दें. वेरी गुड, वेरी गुड. अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ए और एन के प्रयोग में. एक बार मैं फिर उसको एक रिकैप थोड़ा सा मैं देता हूं. और बच्चों कहीं किसी बच्चे को अगर कंफ्यूजन है इस चीज में, कोई ऐसी बात जो क्लियर नहीं आई, तो जब हमारा क्वेश्चन सेशन होगा तो आप मुझसे उसके बारे में बिल्कुल पूछ लें. और मैं पहले से कह दूं, यदि मेरे बताने पर वो चीज क्लियर नहीं होती तो आपके टीचर जो पूरे साल आपके साथ रहते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि आपको कैसे समझाया जाए. तो यदि मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, नहीं तो आप अपने स्कूल में अपने टीचर से उसको जरूर क्लियर कर लें. बच्चों कंफ्यूजन जो है, किसी भी तरह का संदेह है, शुभा है, तो हमेशा पहली ही बार में उसको क्लियर कर लेना चाहिए. यदि आप उसको क्लियर कर लेते हैं तो आगे की आपकी समस्या का निदान होता चलता है, नहीं तो वो कंफ्यूजन बढ़ता जाता है. ठीक है ना. तो आइए चलिए हम एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, एक बार फिर से उसको देख लेते हैं. आर्टिकल्स क्या है, आर्टिकल्स डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, संकेत वाचक विशेषण. संकेत वाचक विशेषण यानी जो इशारा करते हैं, जो एडजेक्टिव्स, जो विशेषण इशारे के रूप में कोई चीज बताते हैं, तो उनका ही एक रूप है. आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल मतलब निश्चय वाचक, जो किसी निश्चित या विशेष चीज की ओर, वस्तु की ओर इशारा करते हैं, व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं, उनको डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं. और डेफिनेट आर्टिकल्स के रूप में हमारे पास द है. दूसरा इनडेफिनेट आर्टिकल. इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चयवाचक. अनिश्चयवाचक आर्टिकल वो कहते हैं जो सामान्य रूप से किसी भी, कोई भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करते हैं, उनको अनिश्चयवाचक कहते हैं. जो निश्चित ना हो, जो किसी विशेष की ओर इशारा ना करें, उसको अनिश्चयवाचक या इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. और इनडेफिनेट आर्टिकल के रूप में हम ए और एन को जानते हैं, समझते हैं. द को डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं, जैसे कि हमने पहले बताया, क्योंकि वो एक किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं, उसकी जानकारी हमें देते हैं, इसलिए द को हम विशेष या डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं. ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये किसी निश्चित व्यक्ति या विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध नहीं कराते. अच्छा बच्चों आगे मैं करने से पहले आपको बता दूं, कल हम चर्चा करेंगे डेफिनेट आर्टिकल पर, द पर चर्चा करेंगे. तो कल आप ये इसका कंटिन्यूटी में ही वो क्लास रहेगी, जो एक इनडेफिनेट आर्टिकल आज रह गया है उस पर हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि द उपयोग में भी कुछ विशेष बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है, तो उस चीज पर हम कल डिस्कशन करेंगे. तो आइए हम इसको कंटिन्यू करते हैं. ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं क्योंकि ये किसी भी सामान्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर इशारा करते हैं. आर्टिकल सामान्य रूप से नाउन या एडजेक्टिव की ओर के पहले लगाए जाते हैं. जैसे आपको उदाहरण दिए गए हैं, आई सॉ अ जैकॉल इन द फील्ड, नेहा बॉट एन अम्ब्रेला, दिस इज अ लेजी डॉग, द कैट रैन आफ्टर द रैट, दे लिव इन अ बिग हाउस. तो आपने देखा होगा ये लाल रंग से
जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, या तो ये किसी नाउन के आगे लगाए गए हैं या दूसरे एडजेक्टिव के आगे लगाए गए हैं। सबसे पहली चीज मैं फिर से रिपीट करूंगा और ये सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम ए और एन का प्रयोग करते हैं, ए और एन का उपयोग करते हैं, तो एक सबसे विशेष चीज जो हमें ध्यान रखनी है, हमें देखने का नहीं सुनने का ध्यान रखना है कि हमारे कानों में ध्वनि स्वर की सुनाई दे रही है या व्यंजन की सुनाई दे रही है। वी आर हियर द साउंड ऑफ अ कंसोनेंट और अ वोवल। हमें देखना नहीं है, ये मैं फिर इस चीज पे गौर आपको दिलाना चाहूंगा कि हमें देखना नहीं है कि वो अक्षर स्वर है या व्यंजन है, बल्कि उस शब्द की ध्वनि किसकी बन रही है या उस अक्षर की ध्वनि किसकी बन रही है, स्वर की बन रही है या व्यंजन की बन रही है। यदि स्वर की ध्वनि बनती है तो हमें एन का प्रयोग करना है, और व्यंजन की ध्वनि बनती है तब हमें ए का प्रयोग करना है। यदि कोई शब्द ऐसे हैं जिनके सामने का जो पहला अक्षर है वो स्वर है, वोवल है, लेकिन उसकी ध्वनि कंसोनेंट की बन रही है या व्यंजन की बन रही है, तो उस शब्द के आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। इसी तरह एन का जो प्रयोग होता है वो स्वर की ध्वनि या वोवल की ध्वनि के आगे करते हैं, और कई ऐसे शब्द हैं जिनका पहला अक्षर व्यंजन का होता है, पहला अक्षर व्यंजन होता है, कंसोनेंट होता है, लेकिन उनकी ध्वनि स्वर की बनती है, पहली ध्वनि जो उनकी बनती है उच्चारण की वो स्वर की बनती है, तो उन ऐसे अक्षरों के आगे हम, शब्दों के आगे हम एन का प्रयोग करेंगे। फिर यहां ये महत्वपूर्ण है, इसको भी ध्यान रखिएगा हमेशा, कि जब भी कोई शब्द का शुरुआत W या Y से होती है तो उसकी ध्वनि हमेशा व्यंजन की ही बनती है और उसके आगे हम ए का प्रयोग करते हैं। और जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एक शब्द में रहता है, ईयर, उच्चारण में हमें ऐसा लगता है कि इसका उच्चारण ई से हो रहा है, जबकि इसका उच्चारण ई से ना होते हुए य से होता है, जैसे कि यस में, वाई ई एस यस, अपन एस नहीं बोलते उसको यस बोलते हैं। इसी प्रकार ईयर का जो उच्चारण होता है वो ईयर ना होते हुए य होता है, यानी य से होता है, इसलिए ईयर के आगे हमेशा हम ए का प्रयोग करते हैं, ए ईयर बोलेंगे, एन ईयर नहीं बोलेंगे, ये हमेशा ध्यान रखें। मैंने उसका कारण भी आपको बताया था कि ये एब्रीविएशंस के आपको बताया था मैंने, जब एब्रीविएशंस हम लिखते हैं या बोलते हैं तो एब्रीविएशंस में हर अक्षर का चूंकि उच्चारण पृथक पृथक होता है, वी प्रोनाउंस एवरी लेटर सेपरेटली, तो जो पहला लेटर होता है उसका उच्चारण की जो ध्वनि होती है वो स्वर की बनती है या व्यंजन की बनती है, उसी आधार पर हमें ए एन और एन का निर्धारण करते हैं। एब्रीविएशंस का ध्यान रखें, एब्रीविएशंस में हमेशा ए और एन का निर्धारण पहले अक्षर की ध्वनि के आधार पर ही किया जाता है। जब हम फुल फॉर्म का, उसी एब्रीविएशन का जब हम फुल फॉर्म का उच्चारण करते हैं या लिखते हैं, तो ए और एन का निर्धारण वो फुल फॉर्म का जो पहला, जो पूर्ण रूप से जो लिखा जाता है उसका जो पहला शब्द है उसके उच्चारण के आधार पे किया जाता है। यदि पहले उच्चारण शब्द के उच्चारण की ध्वनि स्वर की बनती है तब हम एन का प्रयोग करते हैं, और व्यंजन की बनती है तो ए का प्रयोग करते हैं। बच्चों ये क्लियर हो गया आपको? गुड। अभी आपको किसी को पूछना है, कोई उनको कंफ्यूजन है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप लोग अपना कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं या पूछ सकते हैं ए और एन के उपयोग के बारे में। कोई बच्चा पूछना चाह रहा है? सोहागपुर, बच्चे आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी चीज जो कंफ्यूज हो रही हो? एमपीएस लटेरी, विदिशा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, कहीं भी आपको अगर कोई समस्या है
ए और एम को के उपयोग के संबंध में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बिल्कुल पूछिए। सोहागपुर शेड्यूल, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? सोहागपुर शेड्यूल, वेरी गुड। आपको ये ए और एम के विषय में जो बताया गया अभी आपने जो सुना उसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए। आपने जो एक्सरसाइज बताई, जो हमने 20 जो हमने एक्सरसाइज आपको बताया, 20 सेंटेंस बताए, वो सब बन गए आपको? क्लियर हो गए वो? एमपीएस सागर, बच्चे लोगों, आपने ये जो 20 सेंटेंसेस हमने किए हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे ए और एम को लेकर, वो सब बन गए आपसे? हाथ उठा के मुझे रिस्पांस दीजिए। एमपीएस खंडवा, एमपीएस खंडवा, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? खंडवा के बच्चे मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाथ उठाएं। एमपीएस खंडवा, आप माइक लेके मुझे बताइए, माइक लेके बात करिए मेरे से। एमपीएस खंडवा, अगर कोई टीचर मौजूद हैं तो किसी बच्चे से मेरी बात कराएं। एमपीएस मंगलवारा होशंगाबाद, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाथ उठा के बताएं, माइक लेके मुझे बताइए, माइक लीजिए। माइक नहीं है वहां पर? अगर कोई टीचर हैं तो उनसे बोलिए माइक लेंगे, माइक लेके बात कराएं मेरी। अच्छा बच्चों, आप कल भी मैं आऊंगा और जैसे कि मैंने आपसे बताया कि जो डेफिनेट आर्टिकल है द, उसका उपयोग में काफी इंटरेस्टिंग है, विविध अलग अलग तरीके से उसका उपयोग होता है, कई जगह होता है कई जगह नहीं होता है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग आपको उसकी जानकारी है और हम कल इसी से कंटिन्यू करेंगे। और इसको लेकर अगर आपको कल मन में कल कोई डाउट रह भी जाता है या आपको कुछ ऐसा ध्यान आता है तो आप मुझसे कल भी पूछ सकते हैं। तो बच्चों, मैं ये मानते हुए कि आपको ये चीज समझ में आई होगी, लेकिन फिर अगेन आई वुड से इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गेट इट क्लियर टुमारो। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या आपको बाद में कुछ ध्यान आता है आर्टिकल्स को लेके, तो कल भी आप उस चीज को क्लियर कर लें और कल हम डेफिनेट आर्टिकल द पे चर्चा करेंगे। ठीक है? ओके बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।
हेलो।